एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है मंडे और मंडे तो मेरा फास्ट होता है, आपको पता ही। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह की चाय से। उसके बाद मुझे नहा के पूजा करनी है और मंदिर भी जाना है। और आज मौसम बहुत ख़राब है, दिल्ली में बारिश भी हो रही है, बहुत ठंडा मौसम है। मुझे मशीन भी लगानी है क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और हाँ, मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक करिए। अगर मुझे मेरी वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग की है ना वीडियो की, तो आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। मतलब खुलते खुलते ही इंसान खुलता है। तो मैं भी सब कुछ नेचुरल ही डालने की कोशिश करती हूँ कि कुछ भी बनावटी उसमें ना डालूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। इधर मैंने दूध बॉयल होने के लिए एक तरफ रख दिया है और दूसरी तरफ मेरी चाय बन रही है। इधर मैंने मशीन भी लगा दी है। और जैसे मशीन मैंने आपको बताया कि एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, कल नहीं लगाई थी, परसों लगाई थी, इसलिए मुझे आज लगानी पड़ी। कपड़े वैसे भी बहुत हो जाते हैं टिन टिन के। ये वाला बेड भी सही कर दिया है, अब दूसरा रूम भी मुझे सही करना है। मेरी घर की पूजा हो गई है और अब मैं मंदिर के लिए जा रही हूँ। आपको पता ही है कि मंडे में मंदिर जाती हूँ। और मैंने आज हेड वॉश भी किया है, मैंने ये वाली कुर्ती भी आज डाली है। तो कैसी लग रही है मेरी कुर्ती। तो चलिए पहले मंदिर होकर आती हूँ। काफ़ी लेट हो गया, 10:30 हो गए, तो आज मुझे काम में भी काफ़ी लेट हो गया। तो चलिए मंदिर के बाद बात करते हैं। मैं जा रही हूँ अभी मंदिर। मैं मंदिर से अब घर के लिए जा रही हूँ। घर जाके मुझे लंच और ब्रेकफास्ट में देखना है क्या बनाना है, और उसके बाद और जो काम है उसमें जाके लगना है। टिन सो के उठ गई है, अभी तो खेल रही है। इससे पहले वो रोए तो मैं उसको कुछ खिला दूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम कर पाऊँगी, वरना वो मुझे काम नहीं करने देगी। मैंने यहाँ पे लंच में बनाया है दाल चावल और आलू की भुजिया। और ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ खास नहीं बनाया, बस ब्रेड, चाय और टोस्ट दे दिया था क्योंकि आज मेरा फास्ट था, इसलिए मैंने शॉर्टकट ही खाना बनाया है।
तो कैसी लग रही है मेरी ये थाली? यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर अपने लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और फास्ट में मैं साबूदाने की खीर खा लेती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू से ही खाया है इसलिए मैं खा लेती हूँ। इधर मेरी खीर भी बनके तैयार हो चुकी है। तो पहले मैं इसमें से ठाकुर जी के लिए भोग निकाल दूंगी, क्योंकि जब भी हम कुछ फास्ट का बनाते हैं तो पहले मैं ठाकुर जी के लिए भोग निकालती हूँ। और अगर बिना लहसुन प्याज का खाना हो तो भी मैं ठाकुर जी को पहले भोग लगा देती हूँ। मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मुझे किचन के लिए कुछ सामान लेना था, क्योंकि मुझे किचन के लिए डिब्बे लेने थे क्योंकि मेरे पास डिब्बे कम है। लेकिन मैं किचन का एक भी सामान कल नहीं ले पाई। जो मैंने खरीदा है वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिए कुशन कवर, ये 5 कवर मैंने लिए हैं 350 के। और ये अपने पति देव के लिए एक शर्ट ली, कैसी लगती है, ये ली मैंने 1200 1200 की। और एक अपने लिए लिया ये टॉप जीन्स के लिए, कैसा लग रहा है, इसका रेट है 500। और एंजल के लिए एक मैंने जीन्स ली। तो कल मैं लेने कुछ और गई थी और लेकर कुछ और आई, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो खरीद के ले चलूं। तो कैसी लगी मेरी ये शॉपिंग जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। ये था मेरा आज का रूटीन, फिर कल मैं आपके साथ फिर आऊंगी अपने रूटीन के साथ। तो तब तक के लिए